Welcome, dear students. Today we have to start second part of the fifth chapter, overview of MS Excel. Overview of MS Excel is the name of this chapter. तो first part में हमने क्या देखा था, MS Excel window कैसी होती है उसको पहले तो हमने देखा था कि MS Excel window को open कैसे करते हैं, फिर open होने के बाद उसकी हमने window देखी थी. तो विंडो के कितने विंडो कितने टाइप में डिवाइड हुई थी, कितने पार्ट्स में, तो सेवन पार्ट्स में डिवाइड हुई थी. सेवन पार्ट्स में थे, थ्री पार्ट्स हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े, जैसे कि ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार. ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा. अब हम इसके आगे वाले पार्ट्स पढ़ेंगे इस पार्ट में. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट, रिबन. रिबन, द रिबन इज लोकेटेड एट द टॉप साइड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार. ये क्विक एक्सेस टूल बार था, या इसके नीचे जो होती है रिबन प्रेजेंट होती है. इन द रिबन देयर आर सेवरल टैब्स. बाय क्लिकिंग अ टैब यू कैन सी सेवरल रिलेटेड कमांड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. विद इन ईच ग्रुप देयर आर रिलेटेड कमांड बटन्स. ये यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें यहाँ से ये होता है, इसके ऊपर होता है हमारा टाइटल बार. अब टाइटल बार के नीचे ये ऑफिस बटन, उसके बाजू में क्विक एक्सेस टूल बार था, उसके नीचे से मतलब ये होम, इंसर्ट, ये सब भी इसमें आ गया. और इससे रिलेटेड नीचे ये कमांड, होम ओपन किया तो ये होम के सभी फंक्शंस है, इंसर्ट ओपन करेंगे इंसर्ट के फंक्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, पेज लाओ तो उसके. इस तरह से आप यहाँ पे जिस भी मेनू को क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे. तो इस सब को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन. ये और इसमें जो फंक्शन है इसमें हमने यूज़ किया तो हमें डिफरेंट कमांड्स मिलती है जो हम किस पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे वर्कबुक में, वर्कशीट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. पार्ट है हमारा वर्कशीट, फिफ्थ पार्ट. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट. ईच वर्कशीट कंटेंट्स कॉलम एंड रोज. इसको कहते हैं वर्कशीट, जिस पे हम लोग हमारा वर्क करते हैं इसको बोलेंगे वर्कशीट. इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट. ईच वर्कशीट कंटेन रोज एंड कॉलम. ए टू यहाँ पे जेड तक होता है, ए बी सी डी दिया हुआ है ना, ये कहाँ तक होता है, अप टू जेड. तो एंड देन कंटिन्यू विद जेड होने के बाद ए ए ए बी ए सी इस तरह से स्टार्ट होता है, फिर ए जेड होने के बाद बी ए बी 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 सी इस तरह से स्टार्ट होता है. ये इस तरह की वर्कशीट होती है. एंड ए सी एंड सो ऑन. द रोज आर नंबर्ड वन टू वन वन लैख 48,576. तो ये जो होती है ये इसको कहते हैं कॉलम्स. ए बी सी डी जो लिखे हुए ये कॉलम है, और इस तरह से ये होते हैं रोज हमारे. कॉलम कितने होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड. देन जेड होने के बाद फिनिश तो नहीं हो सकता, वहाँ से स्टार्ट होता है ए ए ए बी ए सी एंड सो ऑन. एंड कॉलम जो होते हैं ये, एंड जो रोज होते हैं वो कितने होते हैं, अप टू वन टू 1,48,576 ये होते हैं रोज. द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू कैन हैव इन अ वर्कशीट. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं आपको जितने चाहिए उसमें उतने इस वर्कशीट में अवेलेबल होते हैं. तो इस पे हम रोज एंड कॉलम में वर्क करते हैं, इसलिए हमें इसे बोलते हैं वर्कशीट. देन नंबर सिक्स है फॉर्मूला बार. द सेल एड्रेस ऑफ द सेल इज डिस्प्ले इन द नेम बॉक्स विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार. ये है फॉर्मूला बार. इस पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स में यहाँ पे फॉर्मूलाज दिया हुआ होता है, सेल एड्रेस देते हैं. कौन से सेल में हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ए वन में हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे ए वन इस तरह से इस पे एड्रेस देगा हमें, मतलब यहाँ पे नेम दिखाएगा. सेल एंट्रीज डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द फार्मूला बार. तो यहाँ पे सेल एंट्रीज दिखाएंगे. ओके, कौन से सेल में वर्क कर रहे हैं और क्या वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा. जिस सेल में वर्क कर रहे हैं वो इस साइड लेफ्ट साइड में दिखाएगा.
Then number 7 is status bar. The status bar appears at the very bottom of the Excel window and provides such information as the sum, average, minimum and maximum values of selected numbers. स्टेटस बार है वो MS Excel विंडो के बॉटम में होता है इस तरह का. इस पे हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड नंबर. हम भी जो नंबर सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोग्राम करेंगे, उसकी सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हमें इस पे बताते हैं. यू कैन कस्टमाइज योर स्टेटस बार बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट ऑप्शन. आप अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन से, ऑप्शन को सिलेक्ट करके. और चेक मार्क नेक्स्ट टू एन आइटम मींस द आइटम इज सिलेक्टेड. आपने जिस भी आइटम को सिलेक्ट किया उसके आपको चेक मार्क आ जाता है. तो वो किस पे दिखता है, स्टेटस बार पे हमें वो सब दिखाई देता है. एंड लास्ट इज द स्क्रोल बार, 8 नंबर. स्क्रोल बार इज यूज टू स्क्रोल द स्क्रीन एट डिफरेंट साइड्स. देयर आर टू स्क्रोल बार्स अवेलेबल इन द MS Excel विंडो, वर्टिकल स्क्रोल बार एंड हॉरिजेंटल स्क्रोल बार. वर्टिकल स्क्रोल बार इट मूव्स द स्क्रीन एट अप एंड डाउन एंड इट हॉरिजेंटल स्क्रोल बार इट मूव्स द स्क्रीन एट राइट एंड लेफ्ट साइड. स्क्रोल बार कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में और डाउन पे होता है. तो स्क्रोल बार इज़ यूज किस लिए यूज़ होता है, स्क्रीन को डिफरेंट साइड में ले जाने के लिए स्क्रोल बार का यूज़ होता है. देयर आर टू स्क्रोल बार्स, कितने स्क्रोल बार होते हैं, टू, एक ये और एक ए. तो ये इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रोल बार एंड इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार. टू क्यों होती है यहाँ पे स्क्रोल बार, इसलिए कि हमारे विंडो जो होती है उसको अप एंड डाउन करना है तो हमें वर्टिकल स्क्रोल बार यूज़ करते हैं. एंड मूव करना है राइट टू लेफ्ट तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे स्क्रोल बार, हॉरिजेंटल स्क्रोल बार. इसलिए यहाँ पे टू स्क्रोल बार्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा. डेटा क्या है, डेटा इज द रॉ इंफॉर्मेशन विच इज एंटर्ड टू द वर्कशीट. डेटा मतलब रॉ, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम किस में लिखते हैं, वर्कशीट में लिखते हैं, उसको बोलते हैं डेटा. इट कैन बी रिलेटेड विथ डिफरेंट फील्ड वैल्यूज. इट कैन बी इन एनी फॉर्मेट लाइक टेक्सचुअल, न्यूमरिकल एंड फॉर्मूलाज. जो डिफरेंट फील्ड वैल्यूज रहती है उससे रिलेटेड डेटा होता है. और वो कौन से फॉर्मेट में होता है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होता है, न्यूमरिकल फॉर्मेट में भी होता है और फार्मूला फॉर्मेट में भी होता है. इन टेक्सचुअल डेटा वी कैन इंटर द वैल्यूज विच कंटेन द लेटर ए टू जेड और एनी सिम्बॉल्स. टेक्सचुअल डेटा मीन्स जिसमें जो डेटा इन किस में हम लोग पुटअप कर सकते हैं, लेटर्स में, ए टू जेड लेटर्स में और कोई भी सिम्बॉल में. इन न्यूमरिकल डेटा वी कैन इंटर द वैल्यूज विच कंटेन द नंबर 0 to 9. न्यूमरिकल डेटा मतलब जिसमें हम किस तरह से डेटा इनपुट कर सकते हैं, 0 to 9 नंबर फॉर्म में. एंड इन फॉर्मूले डेटा वी कैन एंटर द डिफरेंट फार्मूलाज विच परफॉर्म डिफरेंट टास्क टू गेट डिजायर्ड आउटपुट. और फार्मूला डेटा मतलब जिसको हम लोग किस में पुटअप कर सकते हैं, फार्मूला के फॉर्म में ही पुटअप कर सकते हैं, जिससे हमें जो हम लोग पुटअप करेंगे उससे रिलेटेड रिजल्ट हमें, आउटपुट हमें मिलता है. देन डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू वर्कशीट. वर्कशीट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. पहले है रोज. रोज आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द वर्कशीट. रोज किस तरह से होती है, रिप्रेजेंट करी हुई होती है, टॉप टू बॉटम. वर्कशीट में टॉप टू बॉटम हमें रोज दिखाई देती है, ये होती है रोज. दे आर 1,48,576 रोज इन द वर्कशीट. तो यहाँ पे कितनी रोज होती है, 1,48,576 रोज वर्कशीट में अवेलेबल होती है. दे ऑल हैव रो हेडिंग फ्रॉम 1 to 1,48,576.
रोज को हेडिंग दिया होता है। आप जिस भी रो में वर्क कर रहे हैं वो उसका नंबर आपको ऊपर स्क्रीन दिखाई देता है, जिस रो में आप वर्क कर रहे हैं। सी, ये है रोज। यहाँ पे ए रो में आप कॉलम में वर्क कर रहे हैं तो A1 इस तरह से आपका एड्रेस वहाँ पे दिखाई देगा। देन कॉलम, कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड वर्टिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द वर्कशीट। जो कॉलम है यहाँ पे है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकली, वर्टिकली लेफ्ट टू राइट। दे आर 16,384 कॉलम्स इन वर्कशीट। इस वर्कशीट में कितने कॉलम्स अवेलेबल होंगे? 16,384। दे ऑल हैव कॉलम हेडिंग फ्रॉम A to XFD। सभी इसका कॉलम का हेडिंग क्या हो सकता है? जैसे ए में वर्क कर रहे हैं तो A1, बी में कर रहे हैं B1, बी सेकेंड रो में कर रहे हैं और सेकंड कॉलम में सेकंड रो में कर रहे हैं तो B2, ये आपका एड्रेस होगा। और तो दे ऑल हैव कॉलम्स हेडिंग फ्रॉम A to XFD। कॉलम का जो हेडिंग है वह कहाँ से कहाँ तक होगा? A to XFD, यहाँ तक आपका इसका हेडिंग, इतने कॉलम में आप वर्क कर सकते हैं। देन सेल, सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इन अ वर्कशीट। अभी ये जो होता है वन सिंगल बॉक्स, इसे कहते हैं सेल। ये होता है रोज, ये कॉलम, बट ये सिंगल जो होता है ये कहते हैं सेल। ये भी एक सेल, इसे कहते हैं हम लोग सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट। द इनपुटेड डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेल। ये कौन सा पार्ट है? हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है इसका, वर्कशीट का स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डेटा स्टोर करके रख सकते हैं इन सेल। देन एक्टिव सेल, द सेल विच करंटली इन द वर्किंग पोजिशन इज नोन एज एक्टिव सेल। जिस सेल में हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारा डेटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जिसमें वर्क हो रहा है, उसे कहते हैं एक्टिव सेल। इट हैज़ ब्लिंकिंग कर्सर इन इट एंड ऑल्सो द सिलेक्टेड बॉर्डर। इसमें जब हम वर्क कर रहे होते हैं वो स्पेशल स्पेसिफिक सेल में, तो वो जो सेल है वो ब्लिंक होते रहता है। ब्लिंकिंग, इट हैज़ ब्लिंकिंग कर्सर इन इट एंड ऑल्सो द सिलेक्टेड बॉर्डर। कर्सर होता है वो भी ब्लिंक होता है, और जो बॉर्डर होती है सेल की वो भी ब्लिंक होते रहती है। देन नेक्स्ट, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द वर्किंग सेल, और इट इज़ यूज टू चेक द पोजिशन ऑफ द एक्टिव सेल। ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या रिप्रेजेंट होता है? जिस सेल में हम वर्क कर रहे हैं वो सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। एंड और इट इज़ यूज टू चेक द पोजिशन ऑफ एक्टिव सेल। हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, उसकी पोजिशन क्या है, वो चेक करने के लिए भी ये नेम बॉक्स यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने इसके पहले पार्ट में हमने ये देखा था वर्कशीट के जो MS Excel विंडो है उसके पार्ट्स देखे थे, और इस पार्ट में भी हमने 4 पार्ट देखे। और इसके बारे में वर्कशीट में रोज़, कॉलम किसको एक्टिव सेल बोलते हैं, नेम बॉक्स में क्या होता है, ये सब हमने इस पार्ट में बोला। देन बाकी का हम लोग इस पार्ट नंबर 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।